श्री वर्मा आज आप सभी को एक नए टूर पे एक नए स्वाद पे लेकर जा रही हूँ। स्वाद, अब आप ही सोच रहे होंगे स्वाद मेरा क्या मतलब है, यहाँ स्वाद का स्वाद से रिलेटेड है। हम लखनऊ वाले हैं, हमें पता है, और हम बहुत फेमस हैं नवाब्स के नाम से, और नवाबों के शहर में अगर हम रहते हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि लखनऊ में फेमस चीज़ें क्या हैं। ये चीज़ें तो काफ़ी हैं, फेमस देखने के लिए भी हैं, बहुत सारे प्लेसेस भी हैं घूमने के लिए भी, और साथ में ही कुछ खाने के लिए कुछ टेस्टी टेस्टी सी चीज़ें भी हैं हमारे पास, जैसे कि जिसमें से वन ऑफ द फेवरेट डिश आप। तो जो फेवरेट चीज़ है वो मैं अभी तो नहीं बताने वाली कि हम जा कहाँ रहे हैं, लेकिन हाँ मैं आपको आपसे ये ज़रूर जानना चाहती हूँ आपसे आपका फेवरेट डिश क्या है, आपको लखनऊ में सबसे टेस्टी चीज़ डिश में क्या लगता है, कहाँ मतलब आपको टुंडे कबाब पसंद है या आपको बिरयानी बहुत पसंद है या फिर कौन से प्लेस का कौन सा फूड आपको पसंद है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी आप इतना तो गेस कर रहे हो ना कि कहाँ पहुँच रहे हो, अगर आप लखनऊ में रहने वाले हैं तो भी आपको पता होगा, नहीं भी रहते हैं तो भी आपने इको गार्डन का नाम तो सुना ही होगा। तो ये अभी हम इको गार्डन के जस्ट सामने हैं, हम आशियाना से जा रहे हैं अमीनाबाद की तरफ। अब अमीनाबाद का नाम सुन के ही क्या जाता है माइंड में कि बहुत सारा क्राउड होगा भाई, रश होगा, और मैंने चूज़ हमेशा मैं टाइम गलत ही चूज़ करती हूँ, वो क्या है क्योंकि अभी है दिवाली का टाइम, तो हमें पता है अभी हम जा कहाँ से रहे हैं, हम शॉर्टकट ले रहे हैं जो कि चारबाग के पीछे से ये रास्ता है। देखिए चारबाग, चारबाग तो पता ही है ना आपको, यहाँ से आप अपना ट्रेन वेन आराम से ले सकते हैं, पैसेंजर ट्रेन आपको इजीली अवेलेबल है, यहाँ से मिल सकती हैं। चारबाग तो बहुत फेमस है यार, गूगल पे सर्च कर लो। हाँ, रेलवे स्टेशन, इसी रेलवे स्टेशन के जस्ट पीछे से बैक साइड से इसके दो रास्ते हैं, आप इको से भी जा सकते थे, आप चौराहे की उस तरफ से भी जा सकते थे, और हम ये आपका चारबाग से पीछे साइड से आ रहे हैं। अभी अभी कुछ नहीं करना है, अभी हमें सीधा चलना है, चलते चले जाना है, थोड़ा सा भाई स्पीड बढ़ाते हैं, आपको लेके चलते हैं अमीनाबाद की तरफ। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल में, हो सकता हो होप सो आपको मेरा चैनल पसंद आता, मेरा चैनल पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए ही ये वीडियोज़ हैं, होप सो आपको भी मतलब अगर आप लखनऊ से बाहर रहते हैं तो आप लोगों को भी पता चलेगा, आप भी लोग से भी काफ़ी लोग पूछते हैं लखनऊ में फेमस क्या खाने के लिए है, क्या प्लेसेस घूमने के लिए, तो भाई बहुत कुछ है जो फेमस प्लेसेस है उसकी भी नेक्स्ट वीडियो होगी, और खाने में क्या फेवरेट है उसमें से मैं एक चीज़। अब आ गया रश वाला एरिया, मतलब समझ लो यहाँ से ट्रैफिक इतना लगना शुरू हो जाता है कि आधा आधा घंटा लोगों को लग जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर काफी क्राउड भी है यार, ठीक है। और इवन अभी तो टाइम क्या है, फेस्टिवल्स का टाइम है, फेस्टिवल्स के टाइम में तो आप जानते ही हो पूरी मार्केट ही यहाँ पर मेन है, आप देखो आपके सामने है, यहाँ से मार्केट एक तरह से स्टार्ट हो चुकी है, आप समझ लो अगर मैं आज के दिन छोड़कर किसी पहले या बाद में आती तो आपको ईजिली हम पहुँच जाते, लेकिन यू नो ना दिवाली का टाइम है, अपना सबको बिजनेस भी करना है, साथ में शॉपिंग भी करनी है, तो क्राउड तो होना बनता ही है भाई। चलो चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी स्पीड अप करते हैं, क्रॉस करते हैं इन शॉप्स को, यहाँ सब कुछ मिलेगा आपको जो चाहिए इजीली अच्छे रेट पे, यहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो भगवान जी की मूर्ति हो, चाहे माला हो, या डेकोरेशन का सामान हो, या आपके कपड़े हो, या बुक्स हो। अमीनाबाद मार्केट बहुत ही फेमस मार्केट है, और इस छोटी सी क्लिप में मैंने उस वीडियो को भी छोटी सी मतलब डिस्क्राइब दिखाया आप लोग को अमीना मार्केट में है क्या क्या, तो आप चाहो तो यहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हो। चलो चलते हैं अंदर, अब देखो यहाँ से कपड़े आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे अच्छी अच्छी कुर्तियाँ हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लहंगे भी हैं यहाँ पर, एक तरह से आप हाफ पहुँच चुके हो। अब हमें क्या करना है, स्ट्रेट चलना है, हमने देख रहे हैं आप देख लो चारों तरफ यार यहाँ कपड़े कपड़े, हमें कपड़े के स्टॉल भी नहीं, हमें थोड़ा सा काम भी था उस काम से, और साथ में ये सोचा कि वीडियो भी शूट कर लेते हैं क्या कि कहाँ पर हम जा रहे हैं, फेमस प्लेस क्या है, कि हम थोड़ा सा आपको ना यहाँ का टूर एक करा देते हैं कि आपका यहाँ पर क्या क्या इजीली अवेलेबल है आपको, अदर देन मतलब आप मार्केट के डेज को छोड़कर आप नॉर्मल डेज में आओगे ना तो आपको हर एक चीज़ अच्छे रेट में, और इतना आपको क्राउड भी नहीं झेलना पड़ेगा। चलो देखते हैं आगे चल रहे हैं, देखिए यहाँ पर शूज़ भी अवेलेबल हैं, यहाँ कपड़े हैं, इयररिंग्स तो मतलब आप समझ लो बहुत अच्छे 50, 20, 30 रुपीज़ में इयररिंग आप देखोगे, इतने सुंदर इयररिंग हैं कि आप लोग को भाई बहुत पसंद आएंगे, तो ज़रूर आप जाना चाहो तो एक बार ज़रूर जाइएगा अगर आप नहीं भी गए हो, लखनऊ की बहुत फेमस मार्केट है। ये देखिए यहाँ सैंडल्स भी हैं, बूट्स भी हैं, शूज़ भी हैं, बच्चे के लिए शूज़ भी हैं, यहाँ आप देख रहे हैं ना रिजवान गेट, इस गेट के अंदर आप एंट्री करोगे ना तो बहुत अच्छे अच्छे आपको शूज़ में भी बहुत अच्छे अच्छे वैरायटीज़ मिल जाएंगी आपको, जो भी चाहिए, और बहुत ही अच्छे रेट में। देखिए बैग्स अवेलेबल हैं गर्ल्स के लिए, ये सैंडल्स हैं आप देख सकते हो, स्लीपर्स भी आपको यहाँ मिलेंगे, ये कपड़े लगे हुए हैं, लोग यहाँ सेल भी कर रहे हैं, देखिए मार्केट आप देख रहे हो ना कितनी मतलब दिवाली की रौनक आपको यहीं आधी से ज़्यादा दिख रही, पूरा कस्टमर आप समझ लो मार्केट का सारा कस्टमर इस तरह यहीं पर ही है। अभी आगे चलते हैं, देखिए हम लोग आगे को क्रॉस करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स भी हैं, यहाँ ज्वेलरी शॉप्स भी हैं बहुत सारी, बहुत ही फेमस फेमस सी। अब हम आगे बढ़ते हैं,
आगे तो आप देख ही रहे हैं कितने सारे कपड़े कपड़े हैं, बहुत सारे चॉइसेस हैं आपके पास। मिडी भी है, टॉप भी है, गाउन भी है, लहंगा भी है, वो सब कुछ आपको इसे एक मार्केट में मिल जाएगा भाई। बस थोड़ा सा क्राउड देख लियो। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। अभी हमें जहाँ फेमस जाम जिस मोटिव से आए हुए हैं अभी वहाँ पहुँच ही नहीं पाए, क्योंकि मैंने सोचा एक छोटे से क्लिप में आपको ये ऐड कर देते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें घूमने वाली है, क्या क्या चीज़ें आप परचेज कर सकते हैं। गॉगल्स हो गई, काफ़ी चीज़ें हैं। देखिए इयररिंग्स कितने सुंदर सुंदर है ना, एंड यू नो कितना स्टार्टिंग रेट है यहाँ 50 रुपीज़ से, जस्ट 50 रुपीज़। इतने अच्छे अच्छे हैवी हैवी इयररिंग्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पर। देखिए मसाले भी हैं, कपड़े भी हैं भाई 100 रुपये के, मतलब समझ रहे हो अगर आप अच्छे को अच्छा कपड़ा भी चाह रहे हो और अच्छे मतलब रेट में चाह रहे हो, अपने पॉकेट फ्रेंडली अगर रेट आप चाह रहे हो और बहुत सारे छोटे से अमाउंट में बहुत कुछ खरीदना चाहते हो तो आपको ज़रूर यहाँ पर आना चाहिए भाई। अभी आप तो देख ही रहे हो कितना क्राउडेड सब आते हैं खरीदने यार, आप तो देख ही रहे हो पूरी मार्केट लगी हुई है। बहुत ही रिजनेबल रेट में आपको जूते चप्पल बुक्स, और आप चाहो तो बुक्स एक्सचेंज करने भी यहाँ पर आ सकते हो अच्छे रेट्स पे में भी मिल जाएंगे आपको। कॉपीज हो गए, रजिस्टर्स हो गए, ज्वेलरी की शॉप हो गई, हर चीज़ आपको इजीली यहाँ पर अवेलेबल है, वो भी बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली रेट के साथ। अभी अगर ने अब हमने जाना है वहाँ पर जिसके लिए हम निकले हैं घर से, अब घर से निकल तो आए हैं और घूम कहा रहे हैं हम, अमीनाबाद के चक्कर लगा रहे हैं। अब भाई सामने आ गई इमली, मन तो बहुत था इमली खाने का, क्योंकि यार हम तो उनमें से हैं कि इमली का नाम सुनते ही बस मुंह में पानी सा आ जाता। अच्छा आप लोग भी बताइए आप में से किसका किसको इमली पसंद है। सो ये देखिए 200 रुपये से स्टार्टिंग रेट है यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे सूट्स भी हैं, लेकिन मेरे पास आज टाइम नहीं है, लेकिन जिस मोटिव से हम आए हैं अब हमें उधर चलना चाहिए। सो अभी ये चीज़, ये भी एक एरिया है यहाँ पर लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में आपको कंपटीशन लेवल की, कॉलेज के, स्कूल्स की सारी बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। अब हम पहुँचने वाले जहाँ पर हम निकले, देखिए पहले तो गरम गरम समोसे देखते हैं। ओ भाई यहाँ तो गरम गरम समोसे निकल रहे हैं। अब आधे ज़्यादा लोगों को तो पता चल ही गया होगा जो लखनऊ वाले निवासी हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं। हम जा रहे हैं लखनऊ की फेमस प्रकाश कुल्फी में, और हम पहुँच चुके हैं। अब हमने गाड़ी भी खड़ी कर दी, भाई साहब ने हमारी गाड़ी खड़ी कर दी। चारों तरफ आप देखिए आज दिवाली की रौनक दिखाई देगी आपको, कपड़ों से लेके हर चीज़ मार्केट में। अभी हमने क्या करना है, हमने तो अंदर चलना है। ये देखिए भाई भैया अंकल जी अपना काम पे लगे हुए हैं, देखिए उनका ठंडा ठंडा मटका, और ठंडा मटका तांबे का मटका का तो बेनिफिट आप खुद भी जानते हैं, ऊपर से तांबे के अंदर आप पानी भी रात में रख के पीते हो तो कितना ठंडा हो जाता है। तो भाई ये तो आप सोचिए इसमें इतनी बर्फ़ और बर्फ़ के साथ इतनी अच्छी कुल्फी, तो सोचिए इस समय इस कुल्फी का क्या ही बर्फ़ का आनंद आ रहा होगा। गर्मी में और में दोनों में ही सबकी प्यारी होती है, हम सबकी प्यारी कुल्फी। चलो ट्राई करते हैं, आज चलते हैं हम। अभी भैया जी ने देखो इसको ठंडा ठंडा सा कर दिया है, और यहाँ पर इतना बढ़िया एरिया है कि नीचे भी आपको देखिए सिटिंग एरिया अवेलेबल है और ऊपर साइड पे भी सिटिंग एरिया अवेलेबल है। ये देखिए बैक साइड पे पूरी मार्केट भी यहाँ पर लगी हुई है। अब हमने भैया से कहा कि हमें छोटी सी क्लिप बस बना ले दीजिए कि क्या है मतलब कुल्फी का, तो उन्होंने अब बनाना शुरू किया। ये देखिए अभी ने लिया कुल्फी, कुल्फी को निकाला उन्होंने। अब ये देखिए भाई ठंडी, देखिए मतलब आप समझिए इसके बाद इसको काटा जाएगा नाइफ से। अब नाइफ से काटेंगे तो देखिए ये जो कुल्फी होती है ना बहुत टेस्टी है, मतलब यू नो व्हाट, इसमें आप अगर इंग्रेडिएंट्स से चेक करेंगे या इनसे बात भी करेंगे तो ये खुद भी आपको बताएंगे। इसमें केसर है, खोया है, नट्स हैं, आपको ड्राई फ्रूट्स है, बहुत सारी चीज़ें मिला कर बनी हुई है ये कुल्फी हमारी टेस्टी थी। अभी देखिए भैया बिल्कुल रेडी कर चुके हैं कुल्फी को, 6 प्लेट्स में लगाना है, डेकोरेट करना भी भाई डेकोरेशन में सोचिए। खाली ये सिर्फ आपको ये कुल्फी नहीं देंगे, और अगर रीजनेबल रेट की बात की जाए तो रेट्स आज भी बहुत ही रीजनेबल है। सिंगल हाफ प्लेट 75 रुपीज़ की, और फुल प्लेट 150 रुपीज़ की, और साथ में ही जो डायबिटीज़ है जिनको, उनके लिए भी यहाँ पर स्पेशल कुल्फी अवेलेबल है। तो आप डायबिटिशियन वालों को भी फिक्र नहीं करने की बात है, क्योंकि देखिए जिनको डायबिटीज़ होती है, शुगर की प्रॉब्लम होती है ना, उनको चीनी मना ही होती है, बट उनके लिए भी स्पेशली यहाँ पर कुल्फी डिजाइन के। अब देखिए भैया ने कुल्फी काट ली आराम से, अब इसको डेकोरेट करते हैं। ये देखिए ऊपर से सेवई पड़ गई, ओहो सेवैया किसकी फेवरेट है, बहुत ही लोगों की फेवरेट होगी। कि अभी क्या करना है इसको देखिए, और क्या क्या इस पे भी डालने वाले हैं। अभी आप भैया ने इसे डेकोरेट कर दिया वाइट सेवैयों से, अब इसके ऊपर आएगी येलो सेवैया। ओहो आप देखिए कलर लग गया ना, चार चांद आ गया। अब आप सोचिए इतनी टेस्टी, देख के भाई मुँह में पानी आ रहा है। चलो भाई अब ये मेरे प्लेट मेरे टेबल पर, तो
देखिए हमारी कुल्फी हमारे सामने आ चुकी है और ये खाना भी खा चुके हैं, खाना शुरू भी कर चुके हैं। अब चलिए हम भी इंजॉय करते हैं और आप भी इंजॉय कीजिए। और बहुत पुराना है, बहुत फेमस है लखनऊ की प्रकाश कुल्फी, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। होप सो आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, और मेरा चैनल पसंद आया तो फिर चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। थैंक यू सो मच।